हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CUET की स्ट्रेटजी के बारे में। आपका स्टडी प्लान क्या होगा वो सब आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आर वीडियो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए वो है आपका एग्जाम फॉर्मेट। आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको वहाँ का एग्जाम फॉर्मेट पता होना चाहिए। CUET का तो बेसिक एग्जाम फॉर्मेट सभी जगह कॉमन है, लेकिन आपके डोमेन वाइज आपका कैसा एग्जाम पैटर्न होगा वो सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर सिलेबस की बात करें, अगर आप मान लीजिए BSc के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जनरल टेस्ट, इंग्लिश और इसके अलावा 3 डोमेन लेना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बेसिकली होगा, या हो सकता है कि आपकी चॉइस कुछ और भी रहे। तो सिलेबस आपको अच्छे से थरली देख लेना है, वेल वर्स होना चाहिए आपको कि किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है। मार्किंग स्कीम के बारे में भी और बात करेंगे। डोमेन सिलेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। डोमेन आपकी कई सारी डोमेन है, उस पर भी हमारे चैनल पे वीडियो बन चुकी है और आपको हमारी वेबसाइट पे भी सब कुछ अच्छे से डिटेल में मिल जाएगा। इसके अलावा चलिए बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। मार्किंग स्कीम जैसा कि आपको पता भी होगा, और अगर नहीं पता है तो देखिए, अगर करेक्ट ऑप्शन आप टेक कर रहे हैं तो आपको +5 मार्क्स मिलेंगे, अगर इनकरेक्ट है तो -1, और अगर अनआंसर्ड है तो 0 मार्क्स। अब अगर आपने अच्छे से अपना सिलेबस देख लिया, मार्किंग स्कीम पता है, तो चलिए आपका स्टडी प्लान क्रिएट किया जाए। आपको हमेशा याद रखना है कि अभी जब तक एग्जाम्स हो रहे हैं, अभी आपके पास जितना भी टाइम है मैक्सिमम टाइम देना है, लेकिन यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स अ डे आपको देना होगा अपनी स्टडीज़ के लिए। और यहाँ पे आपके ब्रेक भी काफ़ी फ्रीक्वेंट रहने चाहिए, जैसे कि अगर 1 घंटे आप बैठ रहे हैं पढ़ने, तो आप वहाँ पे 50 मिनट्स लगातार पढ़ते रहिए ऑन गो, और फिर 10 मिनट्स का ब्रेक। अगर यहाँ पे बात करें 7 to 8 आवर्स को डिवाइड करने की, तो आपको इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट इन दोनों पे काफ़ी फोकस करना है, क्योंकि इसके अलावा तो आपके डोमेन वाले सब्जेक्ट हैं। डोमेन का मतलब वो सब्जेक्ट जिनके बारे में आप 12th में अच्छे से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा कम रेशियो रखते हुए यहाँ पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे इंग्लिश ग्रामर पे और जनरल टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड, अवेयरनेस, इन सब पे। इसके अलावा अगर बात करें, आपको डेली न्यूज़पेपर रीडिंग भी करनी होगी। द हिंदू एक पेपर आता है, और इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस, ये दो पॉपुलर पेपर हैं। इन दोनों में से किसी भी एक को आप उठा लीजिए और इसकी रीडिंग ज़रूर लगाइए करंट अफेयर्स के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप GK के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो आपका बेस्ट रहेगा कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग करिए। स्टैटिक अफेयर्स तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए हम लोग प्रेफर करेंगे इन दोनों न्यूज़पेपर को। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस की स्टडीज़ के बारे में। अभी तक हमें सिलेबस पता चल गया, स्टडी प्लान बना लिया, अब हम लोग बात करेंगे कि पढ़ाई कैसे करनी। तो उसके लिए सबसे पहले तो मेरे हिसाब से सही रहेगा कि अगर आप एक हार्ड कॉपी ले लेते हैं अपने सिलेबस की, ताकि अगर आपको कोई पॉइंट्स हाईलाइट करने हो तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे पेपर के फॉर्म में कुछ रहे। क्योंकि अक्सर क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी में हम लोग बार बार लैपटॉप को या फ़ोन को रेफर करते हैं, उससे डिस्ट्रैक्शन भी काफ़ी होता है। तो बेटर रहेगा कि आपके पास एक हार्ड कॉपी है। अब एक हार्ड कॉपी अगर आपके पास है, तो उसका ये फ़ायदा है कि अगर आप टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा इनमें से क्या चीज़ आपकी ऑलरेडी कवर्ड है और क्या आपको अब कवर करनी है। क्योंकि अब टाइम काफ़ी कम है, आप फिर से पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर जो भी आपके डोमेन के सब्जेक्ट है वो पूरा नहीं पढ़ सकते। आप केवल हाईलाइट करिए वीक सब्जेक्ट्स को और वीक टॉपिक्स को और उनके अंदर के सब टॉपिक्स को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मैट्रिसेस की बात करें, मैट्रिसेस अलजेब्रा की, तो उसमें कई सारे सब टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स, ये तो काफ़ी सिंपल हो गया। इस तरह से क्रेमर्स रूल है, मार्टिन्स रूल, तो इनमें आपको यहाँ पे हाईलाइट कर लेना है कि किस तरह से आपको सबसे पहले वो टॉपिक्स को उठाना होगा। तो इसी के साथ हमारे ये 3 पॉइंट्स कवर हो गए। आपको वीक सब्जेक्ट्स लेने हैं और उनके सब टॉपिक्स को हाईलाइट करके जो भी आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं वो आपको पढ़ना है। और इसके अलावा ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट खरीद लीजिए अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स के, इंग्लिश के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के, और वहाँ से साइड बाय साइड उसी को लगाना स्टार्ट करिए। ये आपका 7 to 8 आवर्स में ही इंक्लूडेड रहेगा, इसको अलग से नहीं लेके चलना है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, इंग्लिश सपोज पढ़ रहे हैं, तो उसी के साथ साथ आप PYQ भी देखते जाइए, ठीक है। इन बिटवीन आई एम ड्रॉइंग योर अटेंशन टू आर वेबसाइट CUET UG exam.in। इस वेबसाइट पे आपको CUET से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए, जो भी अपडेट चाहिए, वो सभी अवेलेबल है, इंक्लूडिंग यहाँ पे सिलेबस आपको सभी स्ट्रीम्स का गिवन है। अगर सिलेबस वाले सेक्शन में आप जाएंगे, तो आर्ट, ह्यूमैनिटीज़ हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस, इन सभी के सब्जेक्ट्स का सिलेबस गिवन है डिटेल में। तो अगर हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात कर लें, तो देखिए यहाँ पे सेक्शन ए जो कंपलसरी सेक्शन होता है, यहाँ पे अलजेब्रा, कैलकुलस और इन सब में भी जो सब टॉपिक्स है वो भी यहाँ पे हाईलाइटेड है, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। फिर मेरे पास यहाँ कुछ रिसोर्सेज हैं आपको बताने के लिए कि आपको NCERT क्लास 12th को रेफ़र करना ही करना है। CUET के लिए बेस्ट बुक है किसी भी सब्जेक्ट की, आप NCERT क्लास 12th को तो अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ओसवाल के जो प्रैक्टिस सेट्स आते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल रहते हैं, क्योंकि उनमें आपके PYQs भी रहते हैं और सैम्पल पेपर्स भी रहते हैं। और अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की और PCM के बारे में, तो मैथमेटिक्स के लिए आई सजेस्ट कि आपको RD शर्मा रेफ़र करनी चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स SC वर्मा वाली जो बुक है वो बेस्ट है फिजिक्स के लिए।
और केमिस्ट्री के लिए आपको ओसवाल प्रैक्टिस सेट एनसीईआरटी 12 के अलावा इस तरह के क्वेश्चन बैंक्स भी खरीद लेने चाहिए, यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इंग्लिश के लिए इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन ये वाली बुक बेस्ट रहेगी। तो इस तरह के कई अलग अलग सब्जेक्ट्स और भी हैं हमारे पास, जिनकी वेबसाइट पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कौन सी बुक आपको रेफर करनी चाहिए। तो स्ट्रेटजी के बारे में तो हम लोग बात कर लिया, लेकिन जब तक आप खुद से स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है स्ट्रेटजीज की वीडियो देखने का। आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है अपने कॉन्सेप्ट्स के, जो कि आप मिस कर चुके हैं क्लास 12 में, जो आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा था उसको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए, और कम से कम 100 MCQs आपको रोज़ लगाने होंगे। टाइमर देखते हुए आप यहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए सब्जेक्ट वाइज। और अगर आप 7 to 8 आवर्स डेली पढ़ रहे हो तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता CUET एग्जाम को क्रैक करने से, इसलिए आप लगातार पढ़ते रहिए। सक्सेस इज ऑन योर वे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CUET एग्जाम्स।